हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मैसान स्टार्टस में। और व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक्शन और कॉमेडी मूवीज के लिए जाने जाने वाले फेमस डायरेक्टर रोहित शेट्टी की अपकमिंग मूवीज की डिटेल आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। व्यूअर, रोहित शेट्टी जो के सिंघम सीरीज के लिए और इसके साथ साथ गोलमाल सीरीज के लिए भी जाने जाते हैं, और उनका अपना कॉप यूनिवर्स भी बन चुका है जिसमें सिंघम, सूर्यवंशी और सिम्बा जैसे कॉप के कैरेक्टर आप व्यूअर्स को दिखाई देते हैं एक्शन में। और इसके अलावा इंडियन पुलिस फोर्स के नाम से एक वेब सीरीज भी वो बनाने जा रहे हैं। तो इसके अलावा रोहित शेट्टी कौन कौन सी मूवीज डायरेक्ट कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम 8 बड़ी अपकमिंग रोहित शेट्टी की मूवीज की डिटेल आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो वीडियो की कंप्लीट डिटेल के लिए आपको इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना होगा। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो ये वाले डायरेक्टर रोहित शेट्टी की सबसे पहले आने वाली फिल्म का नाम है सर्कस। इस फिल्म के लीड कास्ट में रणवीर सिंह, वरुण शर्मा, पूजा हेगड़े और जैकलीन फर्नांडिस शामिल होंगे। इस फिल्म में रणवीर सिंह और वरुण शर्मा डबल कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहा जा रहा है कि सर्कस मूवी में अजय देवगन स्पेशल अपेयरेंस में दिखाई देंगे। सर्कस मूवी एक फुल कॉमेडी ड्रामा मूवी है और ये फिल्म आपको 23 दिसंबर 2022 को थिएटर्स पर देखने को मिलेगी। और इस फिल्म में हो सकता है कि रोहित शेट्टी अपने आने वाली अपकमिंग मूवी का हिंट भी दे दे, जैसे कि लास्ट टाइम उन्होंने सिम्बा मूवी में सूर्यवंशी और उसके साथ साथ गोलमाल 5 का हिंट दिया था, और रिसेंटली रिलीज होने वाली मूवी सूर्यवंशी में उन्होंने सिंघम 3 के लिए हिंट दिए थे। तो सर्कस मूवी में किसके लिए हिंट दे रहे हैं रोहित शेट्टी? क्या वो इंस्पेक्टर गालिब के लिए, जो शाहरुख खान के साथ वो बनाना चाहते हैं, उसकी हिंट देने जा रहे हैं, या फिर सलमान खान को लेकर दबंग 4 की हिंट देने जा रहे हैं? ये तो सर्कस मूवी के रिलीज होने के बाद ही फैसला होगा। आप के हिसाब से सर्कस मूवी में रोहित शेट्टी किस मूवी का हिंट देने जा रहे हैं, इस सिलसिले में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और यूर रोहित शेट्टी की डायरेक्शन में बनने वाली नेक्स्ट फिल्म नहीं, एक वेब सीरीज है। वेब सीरीज का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स, जिसे रोहित शेट्टी डायरेक्ट करेंगे और उनके साथ सुशवंत प्रकाश भी इसके डायरेक्टर की लिस्ट में शामिल हैं। और इस वेब सीरीज की लीड कास्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय शामिल है, और ये कॉप यूनिवर्स का हिस्सा होगा इंडियन पुलिस फोर्स। अगर ये इसका हिस्सा है तो यकीन इस वेब सीरीज में सिंघम, अजय देवगन, सिम्बा, रणवीर सिंह और वीर सूर्यवंशी अक्षय कुमार भी स्पेशल अपीयरेंस में आप व्यूअर्स को दिखाई दे सकेंगे। 8 एपिसोड पर बनने वाला इंडियन पुलिस फोर्स, इसे Amazon Prime Video के जरिए डिजिटली OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाएगा, और ये फुल एक्शन थ्रिल कॉप ड्रामा वेब सीरीज है। और ये वेब सीरीज आपको 2023 में Amazon Prime Video के थ्रू डिजिटली OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाएगा। और वीवर, रोहित शेट्टी की तीसरी बड़ी अपकमिंग मूवी का नाम है सिंघम 3, जिसके लीड कास्ट में अजय देवगन और जैकी श्रॉफ शामिल होंगे। वीवर, सूर्यवंशी तो आपने देखी होगी, उसके एंड में अजय देवगन जैकी श्रॉफ को चैलेंज करते हुए दिखाई देते हैं, और यही चैलेंज सिंघम 3 में कंप्लीट किया जाएगा। दीगर कास्ट अभी तक फाइनल नहीं हुई, लेकिन सिंघम अजय देवगन के साथ वीर सूर्यवंशी, अक्षय कुमार और सिम्बा रणवीर सिंह भी आप व्यूअर्स को कैमियो या स्पेशल अपीयरेंस में सिंघम 3 में दिखाई दे सकेंगे। सिंघम 3 एक फुल एक्शन कॉप ड्रामा मूवी है, जो कि आपको 2023 के एंड या फिर 2024 में थिएटर्स पर देखने को मिल सकेगी। रोहित शेट्टी की चौथी बड़ी अपकमिंग मूवी का नाम है फिर गोलमाल, जिसके लीड कास्ट में अजय देवगन, अर्शद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू और सरियाज तलपड़े शामिल होंगे। फीमेल कास्ट भी जब फिल्म शूटिंग फ्लोर पर आएगी तो फाइनल कर दी जाएगी। फिर गोलमाल भी गोलमाल सीरीज की तरह फुल कॉमेडी ड्रामा मूवी होने जा रही है, और इस फिल्म के लिए कहा जा रहा है कि 2023 के एंड में ये फिल्म आपको थिएटर्स में देखने को मिल सकेगी। और रोहित शेट्टी की पांचवी बड़ी अपकमिंग मूवी का नाम है सिम्बा 2, जिसके लीड कास्ट में रणवीर सिंह और सारा अली खान शामिल होंगे। सिम्बा 2 की दीगर कास्ट अभी फाइनल नहीं हुई, लेकिन इस फिल्म में सिंघम, अजय देवगन और वीर सूर्यवंशी, अक्षय कुमार लाजमी दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कि सलमान खान दबंग के करेक्टर में और शाहरुख खान इंस्पेक्टर गालिब के करेक्टर में भी इस फिल्म में दिखाई दे सकते हैं। और सिम्बा मूवी की बात करें तो ये फुल एक्शन कॉमेडी कॉप ड्रामा मूवी है, जो कि आपको 2024-2025 तक थिएटर्स पर देखने को मिल सकेगी। और यूर रोहित शेट्टी की एज अ डायरेक्टर छठी बड़ी अपकमिंग मूवी का नाम है सूर्यवंशी 2, जिसकी लीड कास्ट के लिए अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ तो फाइनल है। दीगर कास्ट जब शूटिंग फ्लोर पर यह फिल्म आएगी जिस वक्त फाइनल होगी। और सूर्यवंशी 2 भी एक एक्शन कॉमेडी कॉप ड्रामा मूवी होगी, और ये फिल्म भी आपको 2024-2025 तक थिएटर्स पर देखने को मिल सकेगी।
और यो रोहित शेट्टी की एज अ डायरेक्टर सातवीं बड़ी अपकमिंग मूवी इंस्पेक्टर गालिब हो सकती है, जिसके लीड कास्ट के लिए वो शाहरुख खान को लेना चाहते हैं। जब शाहरुख खान के साथ रोहित शेट्टी एज अ डायरेक्टर चेन्नई एक्सप्रेस और दिलवाले जैसी मूवीज बना रहे थे, उस वक्त इंस्पेक्टर गालिब का स्क्रिप्ट उनके पास बिल्कुल रेडी था और अपने कॉप यूनिवर्स का जो आइडिया उनके जहन में था उसका हिस्सा शाहरुख खान को भी बनाना चाहते थे। लेकिन शाहरुख खान दिलवाले के बाद जीरो मूवी में मसरूफ हुए और उसके बाद उन्होंने गैप लिया और आजकल दो तीन बड़ी बड़ी मूवीज पठान, जवान और डंकी जैसी मूवीज की शूटिंग में मसरूफ है। तो फिलहाल इंस्पेक्टर गालिब के लिए शाहरुख खान के पास टाइम नहीं, लेकिन स्टिल रोहित शेट्टी स्क्रिप्ट लेकर इंतजार में है शाहरुख खान की डेट्स के लिए। इंस्पेक्टर गालिब की बात करें तो ये फुल एक्शन क्राइम थ्रिल कॉप ड्रामा मूवी होगी और ये फिल्म अगर शूटिंग फ्लोर पर आती है 2023-2024 तक, तो फिर 2024 के एंड या फिर 2025 तक इंस्पेक्टर गालिब आप इवर्स को थिएटर्स पर देखने को मिल सकेगी। और व्यूअर एज अ डायरेक्टर रोहित शेट्टी की आठवीं बड़ी अपकमिंग मूवी दबंग 4 हो सकती है। व्यूअर्स, रोहित शेट्टी अपने कॉप यूनिवर्स को बढ़ाना चाहते हैं और इस कॉप यूनिवर्स का हिस्सा इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे को भी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें दबंग 4 डायरेक्ट करनी पड़ेगी, जिसकी लीड कास्ट में सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा और अरबाज खान शामिल होंगे। लेकिन रोहित शेट्टी ये फिल्म डायरेक्ट करेंगे अब या नहीं, क्योंकि उस वक्त उनके पास लगातार प्रोजेक्ट्स हैं और फिलहाल रोहित शेट्टी के पास शायद दबंग 4 के लिए डायरेक्ट करने का टाइम ना हो, तो सेकंड ऑप्शन के तौर पर कहा जा रहा है कि टिक मंजू ढोलिया इस फिल्म को डायरेक्ट कर सकते हैं। और दबंग 4 की बात करें तो ये एक फुल एक्शन कॉप क्राइम ड्रामा मूवी होगी और ये फिल्म आपको 2024 के एंड तक थिएटर्स पर देखने को मिल सकेगी। तो एवर ये थी एज अ डायरेक्टर रोहित शेट्टी की आठ बड़ी अपकमिंग मूवीज की डिटेल। तो रोहित शेट्टी की आने वाली इन आठ बड़ी अपकमिंग मूवीज में आपको सबसे ज्यादा शिद्दत से किन किन मूवीज का इंतजार है, किन मूवीज की शूटिंग सबसे पहले और बहुत जल्द स्टार्ट होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में इस सिलसिले में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल में सात स्टार्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।